हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हिंदी की क्लास नंबर 28 है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम संडे को छोड़ के डेली ही अपने हिंदी के सेशंस को लेके आ रहे हैं, और आज आपकी ये 28th क्लास है। और इसके साथ ही हम दो मॉक टेस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके साथ ही हम अपने चैनल पर और कौन सी चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं, हम मेनली RRB PO की तैयारी कराते हैं, और हिंदी और कंप्यूटर हमारी स्पेशलिटी है। और इसके साथ ही हम आपको रीजनिंग और क्वांट के भी बहुत बेहतरीन सेशंस प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री ईबुक्स और फ्री कंटेंट आपको हम लगातार देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज के अपने सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की हिंदी का कंटेंट आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा इस लगातार रेगुलरिटी के साथ। कि एक लोग होते हैं कुछ सेशन डाल देंगे और उसके बाद वो बंद कर देते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। प्रैक्टिस आपकी डेली बेस पर होती है, तो वो हम आपके लिए लगातार लेके आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आपका पहला मुहावरा क्या है, पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कि सभी समान नहीं होते, सभी समान नहीं होते। एक एग्जांपल के थ्रू भी आप इन चीजों को समझ सकते हो। एग्जांपल में हम क्या बताएंगे कि मान लीजिए एक दंपति है, उनके चार लड़के हैं, ठीक है, और उन चारों में से एक लड़का बिल्कुल बेकार निकल गया है और बाकी तीन ठीक है, और उस चौथा जो लड़का बेकार निकल गया उसकी वजह से उनके पूरे परिवार की बदनामी होती रहती है। एक बार उसने कुछ कोई मतलब गलत काम किया, और फिर उसके बाद उसके उनके घर की जब बदनामी हुई तो कुछ लोग सांत्वना देने भी आते हैं। तो जो लोग सांत्वना देंगे तो वो आके क्या कहेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए कि आपके बाकी तीन लड़के तो सही हैं, अब पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती। अब पांचों उंगलियां बराबर होने का क्या मतलब है? सभी समान तो नहीं होते, एक आध तो खराब निकल ही जाता है, ठीक है। और ये गांव देहात में बहुत प्रचलित कहावत है ये। अगला देखिए, प्रभुता पाए काहे मद नहीं, कि प्रभुता पाने के बाद किसको मद नहीं होता। यानी कि प्रभुता पाने का अर्थ क्या हो गया? अधिकार प्राप्ति, यानी कि अधिकार प्राप्ति पर, अधिकार प्राप्ति पर किसे गर्व नहीं होता। ये शायद मुहावरा आपने पहली बार सुना होगा। समझ के, प्रभुत्व अधिकार प्राप्ति पर किसे गर्व नहीं होता, ये चीज आपकी कंफर्म, ठीक है। और देखिए, आपका आपने देखा होगा थंबनेल में 150 मुहावरे एवं लोकोक्ति लिखे हैं। वो किस तरह से 150 हैं? मैं एक सेशन पहले भी ले चुका हूं जहां पे मैंने आपको 100 मुहावरे एवं लोकोक्तियां कराई थी, तो उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और साथ में आज के सेशन में हम आपको 50 मुहावरे हम लोकोक्तियाँ देने वाले हैं, 50। तो इस तरह से आपकी दोनों अगर वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो आपके 150 हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में भी हम लगातार अपने मुहावरे हम लोकोक्तियों के सेशन भी लेके आते रहेंगे। एग्जाम तक आपके काफ़ी सारे हो जाएंगे और उनसे बाहर काफ़ी हद तक नहीं जाएंगी चीज़ें, इस बात के लिए हम आपको एश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको लगभग सारा ही कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला देखिए कि पानी में रहकर मगर से बैर, पानी से मैं रहकर मगर से बैर। अगर पानी में रहकर मगर से बैर है, यानी कि पानी के अंदर मगरमच्छ या फिर मगर किस तरह का होता है? पानी के अंदर मगर सबसे ज़्यादा घातक होता है। अगर आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, अगर आप पुराने टाइम नहीं मतलब कि अपने टाइम पर जब नेशनल ज्योग्राफी चैनल या डिस्कवरी चैनल चलते थे, उस टाइम पर इस तरह की चीज़ें वो लोग दिखाते थे। और वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि कुछ शेर वहाँ पे पानी पी रहे हैं और वो जो मगरमच्छ है वो उस शेर को भी अंदर खींच ले जाता है। तो यानी कि क्या है कि पानी के अंदर मगरमच्छ अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और आप पानी में रह रहे हो और मगरमच्छ से बैर कर रहे हो, तो इसका क्या हो रहा, इसका अर्थ क्या हो रहा है? पानी में रहकर मगर से बैर, आपको समझ में आना चाहिए कि पानी में रहकर मगर, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? पानी में रहने वाला यानी कि शक्तिशाली, पानी के अंदर मगरमच्छ कैसा होगा? शक्तिशाली।
और अगर पानी के अंदर आप रह रहे हो और मगरमच्छ आपको रहने दे रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको आश्रय ही तो दे रहा है, क्योंकि वो चाहे तो आपको तुरंत निकाल देगा। तो शक्तिशाली आश्रयदाता से बैर, शक्तिशाली आश्रयदाता से बैर, समझ के? ये आपके तीन मुहावरे बहुत इजीली हम लोग कर रहे हैं, केवल एक बार सेशन देख लो। इस तरह से मैं आपको कराऊंगा इतना आसानी के साथ कि आप इन चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। एक बार बस वीडियो देख लिया, फिर कभी नहीं भूलोगे। बस फिर जब रिवाइज करने का नंबर आएगा तो बस एक बार में रिवाइज हो जाएगा। जो चीज़ भूल गए होगे बस उस चीज़ को दोबारा से देख लेना, अदरवाइज तो सारी चीज़ें याद रही नहीं। फिर देखो, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, ये एक कहावत है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादे का मतलब क्या होता है वैसे? नॉर्मली अगर आपने चेस खेला होगा, एक सैनिक जितनी पावर होती है, यानी कि बिल्कुल की पावर तो होती नहीं है, छोटा सा उसका एक औहदा है। तो जो व्यक्ति प्यादे से जब भर्ती होके जब बड़े पद पे पहुंच जाता है, तो टेढ़ो टेढ़ो जाए, टेढ़ो टेढ़ो जाए का मतलब इतरा इतरा के चलता है। अगर आप लोग ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हो ना, तो इस तरह की कहावतें आपने बहुत सुनी होंगी, और ये बहुत मज़ेदार कहावतें होती हैं, और जब आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हो ना, तो मज़ा आ जाता है। तो प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? छोटा आदमी, छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है। बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है। उसे ऐसा लगता है कि सब लोग अब उसे ही देख रहे हैं। और एक मैं एग्जांपल इसका अगर आपको दूं, तो आप सब ने जब साइकिल सीखी होगी, या फिर जब सब आपने बाइक सीखी होगी, तो जिस दिन आपने बाइक सीखी उसके बाद जब आप रोड पर लेके निकले होंगे, तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सब लोग आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं, अच्छा ये तो मोटरसाइकिल चला लेता है, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। या फिर अगर लड़कियां हैं, उन्होंने अगर स्कूटी सीख ली या साइकिल सीख ली, तो जब आप रोड पर निकले होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पर जितने भी लोग चल रहे हैं वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, तो आपके अंदर इतराने वाला भाव आ जाता है। ठीक है, उसी तरह क्या एक ये चीज़ है कि छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है। अगला देखो, फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता, फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक बार मतभेद हो जाने पर, एक बार मतभेद होने पर पुनः नहीं मिलते, एक बार मतभेद होने पर पुनः मेल नहीं हो सकता। आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप इन कहावतों को अच्छे से पढ़ रहे हो, तो भी आपके अंदर एक सेंस आ जाता होगा, मेल नहीं हो सकता। ठीक है सर, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट। और जैसे ही अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो जब आपके ऑप्शन में चीज़ें आएंगी ना, तो आप खुद भी उन्हें एलिमिनेट कर पाओगे। अगला देखो, 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं। घूरा यानी क्या होता है बताइए? जो लोग ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हो वो बताइए। घूरा मतलब जहाँ पर गोबर डाला जाता है ना लगातार, फिर जो वो बहुत सारा जहाँ गोबर इकट्ठा हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग घूरा बोल देते हैं। तो 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं। अब वो घूरे के दिन यानी कि बिल्कुल कैसी चीज़ हो गई? बेकार चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अगर उसके दिन भी फिर रहे हैं, तो कभी न कभी सबका भाग्योदय होता है, कभी ना कभी सबका भाग्योदय होता है। यहां तक समझ गए होगे सर? ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एवरी डॉग हैज इट्स डे। अब उसको हिंदी में ये मत बना लेना कि हर कुत्ते का दिन आता है, हर व्यक्ति का दिन आता है, या फिर कभी ना कभी सबका भाग्योदय होता है, एक ही अर्थ हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि एवरी डॉग हैज इट्स डे, और हिंदी में ये कहावत क्या चलती है? 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं। ठीक है, अगला देखो सर, कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद क्या, ये बताइए क्या मुझे ये लिखने की भी जरूरत है, बताइए बताइए बताइए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख को गुड़ की परख ना होना, या फिर अज्ञानी किसी के महत्व को नहीं आंक सकता, यही तो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मूर्ख को गुड़ की परख ना होना या फिर अज्ञानी किसी के महत्व को आंक नहीं सकता, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो मैं नहीं सोचता कि इसे मुझे लिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आप ऑप्शन देख के भी टिक कराओगे, क्योंकि ये सबने सुनी हुई कहावत है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम लोग चल लेते हैं। अरे हाँ, एक इसमें और बचा है अभी, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा, बताइए बद का मतलब क्या होता है? बुरा होना। तो बुरा होना थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बदनाम होना बिल्कुल बेकार है। बदनाम का अर्थ क्या हो जाता है? कलंकित। या समझ तो गए होगे किन कामों से लोग कलंकित हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, कलंकित होना बदनाम बुरा, यानी कि कलंकित होना बुरे से भी बुरा होता है। कलंकित होना बुरे से भी बुरा होता है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, बद अच्छा बदनाम बुरा। अब जो चीज बुरी है उसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कलंक से, तो कलंक की तुलना में थोड़ा बहुत अगर कुछ बुरा हो रहा है या फिर कुछ बुरा हो रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन कलंकित होना बुरे से भी बुरा होता है। समझ गए? चलिए अगली स्लाइड पर चलते कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये भी सबने सुना होगा, इसका क्या अर्थ होता है बताइए? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बताइए इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? कि जब संकट आना ही है, जब संकट आना ही है तो उसे कब, तो उससे कब तक बचा जा सकता है, यही तो है। तो उससे कब तक बचा जा सकता है, राइटिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, और वैसे भी मैं बोल रहा हूं तो आपको इजीली से चीजें समझ में आ रही होंगी। जब संकट आना ही है तो उससे कब तक बचा जा सकता है, सबने सुना होगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरा तो कटना ही है, कब तक खैर मनाएगी, चलिए आज बच गया आज बच गया, लेकिन एक ना एक दिन तो वो कटी गई। ठीक है, अगला देखो, 52 तोले पावरत्ती, बताइए 52 तोले पावरत्ती, बिल्कुल इस चीज को रट लेना, क्योंकि इसकी आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन जो ये बिल्कुल ग्रामीण वाली जो कहावत है ना वो है। अगर आपके कभी पैसेज में एक उन्होंने अगर ग्रामीण अंचल का कोई आर्टिकल उठा के रखा, क्योंकि हम नॉर्मली जो आरआरबी करता है वो जो हमारे अच्छे अच्छे निबंधकार हैं उनके आर्टिकल्स को ला के रखता है, तो हमारे जो निबंधकार उन्होंने गाँव के परिवेश के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो अगर उनसे रिलेटेड कभी आर्टिकल आ गया तो शायद इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाए। तो 52 तोले पावरत्ती, इसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही होना, बिल्कुल सही होना। ठीक है सर, ये आपका अर्थ हो जाएगा। अब बाप न मारी मैड़ की बेटा तीरंदाज, ये इतना मजेदार मुहावरा है, कहें तो कहावत है, और ये बहुत बार मैंने तो बहुत बार सुना है, बाप न मारी मैड़ की बेटा तीरंदाज, बाप ने तो कभी मैड़ भी नहीं मारा और बेटा अपने आप में क्या है? तीरंदाज है, समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों के किन लोग ये चीज़ आप किन लोगों के लिए कहिए, किसी का उपहास करते हुए तो कहोगे ना कि बाप ने तो कभी मैड़क भी नहीं मारा और बेटा तीरंदाज बना घूम रहा है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो बच्चा वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? बहुत अधिक बातूनी होना या फिर गप्पी होना, जो बहुत ज़्यादा गप्पे हाँकता है उसको कहते हैं। ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत अधिक बातूनी या गप्पी होना, समझ गए? जो बेसर पैर की बातें करे वैसा व्यक्ति। अगला देखो, बॉबी
मैं हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं। बाबी मतलब क्या होता है बताइए, बाबी मतलब क्या होता है? सांप जैसे बिल में रहता है उसको हम लोग बाबी कहते हैं, और चींटियों का जो एक जिस जगह पर रहती है उसको भी हम बाबी कहते हैं। तो बाबी में तो भैया तू डाल मंत्र में पढ़ूंगा, इसका अर्थ क्या है? खतरे का काम कोई और करे, मैं तो भाई मंत्र पढ़ूंगा, यानी कि मैं तो उन चीज़ों से अलग हो जाऊंगा, अपने आप को बचाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खतरे से स्वयं को अलग करना, खतरे से स्वयं को अलग करना, वह खतरे का कार्य किसी दूसरे को सौंपना, वह खतरे का कार्य दूसरे को सौंपना। ठीक है, मैंने अथवा नहीं लिखा, ये पूरा एक ही अर्थ है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि खतरे का कार्य दूसरे को सौंप के स्वयं को अलग कर लेना। ठीक है, अगला देखो, बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है सर, इसका अर्थ क्या होता है मैं तो नहीं लिखाऊंगा, इसको केवल बता दूंगा कि आजकल रुपया ही सब कुछ है, यही इसका अर्थ है। आजकल रुपया ही सब कुछ है, ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगला देखो, बिल्ली के भाग छींका टूटना, बिल्ली के भाग छींका टूटना, बताइए इसका अर्थ होता है सर, क्या होता है इसका अर्थ? संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना, संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना। ठीक है, संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना, या फिर इसका एक अर्थ होता है कि अचानक अप्रत्याशित वस्तु मिल जाना, यानी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे और अचानक आपको वो चीज़ मिल गई, अप्रत्याशित वस्तु मिल जाना। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिल्ली के भाग छींका टूटना, ये आप इस तरह से समझ सकते हो एक बार के लिए कि मान लीजिए छींका क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, जो अपना पुराने टाइम पे दही या मठे की जो मटका होता था उसको हम लोग कहीं टांग देते थे तो वो छींका कहा जाता था। अब ठीक है, मान लीजिए वो छींका गलती से आपसे टूटा, ठीक है गलती से आपसे टूटा, लेकिन जैसे ही आपकी मम्मी आई और आपने तुरंत उनको क्या दिखाई दिया कि बिल्ली कूद के गई है, तो फिर क्या होगा भाई? आपकी डांट नहीं पड़ेगी, वो किसके भाग में चला गया छींके टूटने का? बिल्ली के भाग में। तो संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना, संयोग से किसी का छींका टूटना अच्छा कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी डांट तो बच गई, तो संयोग ही तो था कि मम्मी को बिल्ली दिखी। इस तरह से ये एक कहावत हो सकता है, बनी हो, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप इस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, अगला देखें कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसका अर्थ होता है, सबने सुना होगा वैसे तो, कि भाग्य से स्वतः मिलता है, भाग्य से स्वतः मिलता है, इच्छा से नहीं। ठीक है, भाग्य से स्वतः मिलता है, इच्छा से नहीं। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है आपको, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को सर लाइक कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला देखो, अगला आपके सामने क्या लिखा है कि बिन रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिन रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ भी नहीं समझ पाती कि मेरा बच्चा भूखा है, यानी कि बच्चे को रोने का प्रयत्न करना पड़ेगा तभी उसको वो दूध मिल पाएगा, यानी कि प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता, प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता। यह आपका अर्थ हो जाएगा बिन रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रयत्न के बिना
कोई कार्य नहीं होता। कोई कार्य नहीं होता, ठीक है सर, प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता। अब देखो, बैठे से बेगार भली, बैठे से बेगार भली, बताइए, बैठे से बेगार भली, यानी खाली बैठे रहने से कुछ काम करना अच्छा है। समझ में आ गया होगा पढ़ते ही कि बैठे रहने से अच्छा है कि बेगार भली कुछ काम कर लें, यानी कि खाली बैठने से कुछ कर लेना अच्छा है। अगर आप इन लोकोक्तियों को थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ो तो फिर आप उनका अर्थ का अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी सिंपल सी होती हैं, क्योंकि हम हमारे दैनिक जीवन में ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए इन्हें समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखो, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद मुझे, बताइए, बहुत बार सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बोया, यानी कि कांटे वाला पेड़ आपने बोया, तो फिर भाई उस पर आम आप कहाँ से खा लोगे। यानी कि अगर आपने कांटे का पेड़ बोया, अर्थात आपने कैसे कर्म किए, बुरे कर्म किए, और फिर आप इच्छा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इन बुरे कर्मों का फल आपको अच्छा मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही इसका अर्थ होगा कि बुरे कर्म करने के बाद अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि ये सबने पढ़ा हुआ है कि बुरे कर्म करने के बाद अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है, ये इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखो, भाई भई गति सांप छछंदर सी, भई गति सांप छछंदर, मतलब छछूंदर कहा गया है कि भई गति सांप छछूंदर सी, बताइए, भई गति सांप छछूंदर जैसी, इसका अर्थ क्या होता है। ऐसा माना जाता है सर कि सांप और छछूंदर का किस तरह का रिश्ता है, कि सांप को छछूंदर जो है वो चूहे जैसी दिखती है, हाँ, बिल्कुल दिखती है। अब जैसे ही मान लो सांप ने छछूंदर को, एक सबको पता होगा छछूंदर क्या होता है, तो सांप ने अगर छछूंदर को उन्होंने उसने अगर निगलने की कोशिश की, अब वो जो छछूंदर है ना वो सांप के बिल्कुल मुंह में है, और ऐसा माना जाता है कि सांप अगर छछूंदर को खा ले, सांप अगर छछूंदर को अब खा ले तो क्या हो जाएगा, वो अंधा हो जाएगा, ऐसा माना जाता है कि सांप अगर छछूंदर को खा लेगा तो सांप अंधा हो जाएगा। अब सांप भई गति सांप छछूंदर जैसे, यानी कि सांप ने छछूंदर को मुंह में ले लिया है, अब सांप की जो गति है वो कैसी हो जाएगी, अब वो नहीं सोच पाएगा किसको मैं खा जाऊं या फिर बाहर फेंकूं, अगर खा जाऊं तो अंधा हो जाऊंगा, और मैंने अगर बाहर इसको फेंका तो क्या पता ये मुझे ही काट ले, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दुविधा में पड़ना, क्या अर्थ हो जाएगा, दुविधा में पड़ना, ठीक है सर, आज के बाद भूलना मत, दुविधा में पड़ना, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, दुविधा में पड़ना। चलिए अगला देखो, भूखे भजन न होए गोपाला, आगे की लाइन सबने सुनी होगी, भूखे भजन न होए गोपाला, यह रखी तुम्हारी कंठी माला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है कि भाई जब तक पेट खाली है तब तक भाई साहब भजन नहीं हो सकता, जो वो लोग माला का जप करते हैं कि जब अगर मेरा पेट खाली है तो मैं माला का जप कैसे करूं, मेरा तो बार बार ध्यान ही भूख के ऊपर चला जाता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भूखे भजन ना होए गोपाला, यानी कि भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इवन बड़े से बड़े ऋषि महर्षि इन लोगों के साथ भी यही होता है कि अगर इनकी क्षुधा शांत नहीं हुई तो ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, ये अपनी पूजा नहीं कर सकते, और अगर किसी ने महाभारत में कुंती का, अगर किसी ने वो जो चीज़ थी क्या था, एक प्रसंग था कुंती का, कि जहाँ पे कुंती का था या द्रौपदी का था, एक बार के लिए मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी का एक प्रसंग था जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शोक कर रही थी, हाँ ये उसका गांधारी का था शायद,
गांधारी का था। एक बार आप इसको देखना कि वहाँ पे इस तरह से था कि वो बहुत ज़्यादा शोक कर रही थी कृष्ण भगवान के सामने कि मेरे बच्चे सारे मर गए, ये हुआ वो हुआ। तो फिर भगवान ने क्या किया कि उसी वक्त उनको बहुत तेज, बहुत ज़ोरों से भूख उनके अंदर उत्पन्न की। अब उनके अंदर जब बहुत ज़ोरों से भूख उत्पन्न हुई और पास में ही उन्होंने कर दिया एक बेर का पेड़ खड़ा, उस पेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे बेर लगे थे और इधर गांधारी को लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो अब गांधारी को जब बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी तो वो उन चीज़ों को भूल गई कि कहाँ मेरे बच्चे मरे डले हैं, कहाँ क्या हुआ है। उन्होंने क्या किया कि उस बेर को खाने के लिए पहले उन्होंने प्रयत्न किया। अब वो बेर इतने ऊंचे लगे थे कि वो पहुंच नहीं पा रही थी, तो उन्होंने पहले अपने एक बच्चे की लाश लेके आई और उस पर खड़े होकर उन्होंने ट्राई किया, फिर भी वो नहीं पहुंची। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपने 100 बच्चों की लाश ली, एक के ऊपर एक उनको रखा और उन लाशों के ऊपर चढ़ के उन्होंने उन बेरों को तोड़ा। और जब उन्होंने उन बेरों को तोड़ा और खाया, जब उनकी भूख मिटी तब वो दोबारा से पहुंची, उनका ध्यान पहुंचा उस जगह पे कि ये क्या हो गया। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति एक्ट करता है, ये सच्चाई उन्होंने उन्हें दिखाई थी। तो उसी बस ये एक प्रसंग मैंने इसलिए बता दिया, बोर अगर हो गए तो क्षमा करना, कि भूखे भजन ना होए गोपाला, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इवन कुछ भी बुरा भी नहीं लगता। ठीक है, तो भूखे भजन ना होए गोपाला, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, अगला पढ़िए कि भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की लंगोट भली। बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। हाथ जो पड़ जाए वही उठा ले जाना, जो हाथ पड़ जाए वही उठा लो, या फिर जो बच जाए उसी में संतुष्टि। इसका सबसे अच्छा अर्थ हो जाएगा जो बच जाए उसी में संतुष्टि, उसी में संतुष्टि। ठीक है, जो बच जाए उसी में संतुष्टि, ये आपका अर्थ हो जाएगा। अगला देखो, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पग उराए, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पग उराए। एक व्यक्ति भैंस के सामने मतलब बीन बजा रहा है, लगातार बजा रहा है और भैंस क्या कर रही है, पग उराए। का मुझे एकदम से एग्जैक्ट अर्थ तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक है वो इस तरह से होगा कि कोई व्यक्ति है भैंस के आगे लगातार बीन बजा रहा है और भैंस तो अपना जुगाली जो करती है ना, लगातार मुंह चलाती रहती है, वो तो अपना उसी में मस्त है। तो इसका अर्थ क्या है, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ लेते हैं। सेशन आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई वरी नहीं होना, क्योंकि जब चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, और एक बार चीज़ों को करना है सिर्फ, उसके बाद तो इन पर टाइम बार बार खराब करना नहीं है। चलिए अगला देखो, बिच्छू का मंत्र ना जाने सांप के बिल में हाथ डाले, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। समझ रहे हो, बिच्छू और सांप के जहर की बात बहुत ज़्यादा होती है और सांप का जहर बिच्छू से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्रों के सहारे उन्हें झाड़ फूँक करते हैं, उन लोगों के लिए मतलब एक कहावत सी कही गई है कि बिच्छू का मंत्र नहीं जाने लेकिन सांप के बिल में हाथ डालेंगे। यानी कि बिच्छू का मंत्र ना जाने यानी कि योग्यता का तो अभाव है, योग्यता का अभाव होने पर भी, योग्यता का अभाव होने पर भी उलझनदार काम हाथ में लेना, उलझनदार काम
हाथ में लेना। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चले आगे, अब यहाँ पे देखो आपसे क्या बात की जा रही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब ने सुना होगा। इसका अर्थ क्या होता है? मन पवित्र तो घर में ही तीरथ। मन पवित्र तो घर में ही तीरथ, ठीक है। अगला, मरता क्या न करता, मरता क्या न करता, तो इसका अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति है उसको बिल्कुल ही ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हें मार देंगे अदरवाइज कुछ गलत काम करो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, मरता क्या ना करता, यानी कि मुसीबत में गलत कार्य भी करने पड़ जाते हैं, मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार रहना पड़ता है। ठीक है सर, बहुत से लोग कहते हो कि सर मेरी आदत पड़ गई है सर कहने की, पता नहीं कैसे पड़ गई है। अब जो हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, वो अगर इस चीज़ को सोच रही हैं कि मैं लगातार सर कहता हूँ, उनका नाम भी नहीं लेता, मैम नहीं बोलता, तो मेरी आदत पड़ चुकी है, तो उसके लिए कुछ मत सोचना। तो आगे देखो, मानो तो देव नहीं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, बताइए इसका अर्थ होता है विश्वास, विश्वास फलदायक होता है। यानी कि आप मान लो तो पत्थर में भगवान है, अदरवाइज तो वो पत्थर है ही, समझ रहे हो, विश्वास की बात होती है। जैसे एकलव्य ने, जब गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा ना देने का फैसला किया था, तो गुरु द्रोण की केवल उन्होंने एक प्रतिमा ही तो बना ली थी, और उन्हीं को एकलव्य ने गुरु मान के अपनी जो शिक्षा थी वो आरंभ की थी धनुर्विद्या को, और कितने निपुण हुए थे वो शास्त्रों में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी तरह की चीज़ है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अब वो चीज़ उनकी प्रतिमा लोगों के लिए, वो केवल प्रतिमा थी, उनके लिए उनके गुरु थे जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे थे, तो विश्वास फलदायक होता है। अगला, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे लोगों को कहते हैं जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना। अगला देखो, मार के आगे भूत भागता है, मार के आगे भूत भागता है, यानी कि क्या अर्थ निकल रहा है इसका, कोई आडंबर कर रहा है मेरे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, बहुत लोग करते हैं, रियलिटी नहीं पता किसी को, लेकिन आपने देखा होगा इस तरह से बहुत लोग ड्रामा करते हैं। और जैसे ही कोई अगर वैद्य वगैरह के पास लेके जाओ उसको, या फिर जो लोग झाड़फूंक करते हैं वो क्या करते हैं, वो मार ही लगाते हैं नॉर्मली, जैसे ही मार लगाते हैं तो भूत भाग जाता है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि मार के आगे भूत भागता है, यानी दंड से सभी भयभीत होते हैं, दंड से सभी भयभीत होते हैं। अगला देखो, अगले में आपसे क्या बात की जा रही है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बताने की जरूरत है क्या सर, बताइए, सबको पता होगा मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और ये कहां पर यूज होता है बताओ, कि जब दो प्रेम करने वाले आपस में शादी करना चाह रहे हों, या फिर जब दो प्रेम करने वाले आपस में मिलके रहना चाह रहे हों, तो उनके बीच में कोई तीसरा क्यों आए, तो यही कहा जाता है कि यदि आपस में प्रेम है तो किसी तीसरे का क्या काम, ये मतलब है, ठीक है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अर्थ सबको पता होगा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यदि आपस में प्रेम है तो तीसरा क्या कर सकता है। अगला देखो, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और आजकल के ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलते हैं, ये मुंह पर तो राम नाम का जाप करेंगे और बगल में छुरी रखेंगे, यानी कि
आडंबर करते हैं अच्छे होने का और उसकी आड़ में गलत काम करते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ऊपर से मित्रता आपको दिखाएंगे, ऊपर से मित्रता यानी कि मुंह पे राम, बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंदर शत्रुता करना। ऊपर से तो मित्रता है लेकिन अंदर से शत्रुता है। और आजकल इस तरह के बहुत लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं, इवन ज़्यादातर ऐसे ही लोग देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे लोगों की पहचान करो और उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल के अलग कर दो, हमेशा ही ये आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनेंगे। अगला देखो, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, बताओ। कह रहे हो कि सर ये सब पढ़े हैं हमने, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं पर हम भूल रहे हैं लगातार। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, बताओ कब कहता है कोई, कि जब जब आश्रयदाता का विरोध करना, समझ गए, आश्रयदाता का ही विरोध करना। ठीक है सर, अगला देखो, मेढकी को जुखाम होना, मेढकी को जुखाम होना। सुन के आपको हंसी जरूर आई होगी, मेढकी को जुखाम होना। अब जुखाम किससे होता है ये बताओ जरा, लोग भीग जाते हैं उससे उन्हें जुखाम हो जाता है। अब मेढकी को जुखाम हो रहा है, समझ रहे हो इसका मतलब, जो खुद ही पहले से पानी में रहता है वो जुखाम होने का बता रहा है कि भाई मुझे जुखाम हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो नखरे कर रहा है ना। और यहाँ पे मेढकी नॉर्मली कहाँ पर, जो मेढक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्मली कीचड़ वगैरह में या फिर गहरे तालाबों में पाए जाते हैं। तो ऐसे इनका जो अर्थ लगाया जाता है वो नीच आदमियों से लगा लो, नीच आदमियों द्वारा नखरे करना, नीच आदमियों द्वारा नखरे करना। ठीक है सर, आगे देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नहीं बताऊंगा इसे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अपने आप ही समझ में आ रहा होगा, मन के हारे हार है, यानी अगर आप मन से हार गए तो फिर आप हार जाओगे, और अगर आप मन से जीते हो, अगर आप मन से कोई काम कर रहे हो और मन में अपने में उत्साह के साथ कोई काम कर रहे हो तो आपकी जीत निश्चित है। अर्थ क्या हो जाएगा कि हतोत्साहित होने पर असफलता और उत्साहपूर्वक कार्य करने पर सफलता मिलती है। एक बार और बता दूं, हतोत्साहित होने पर असफलता और उत्साहपूर्वक कार्य करने पर सफलता मिलती है। मन के हारे हार है, यानी कि हतोत्साहित होगे या फिर कह लें कि बिना उमंग के, बिना उत्साह के अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें असफलता मिलेगी, और उमंग उत्साह से किया गया कोई कार्य सफलता प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखो, यथा राजा तथा प्रजा, बिल्कुल सिंपल है, राजा मतलब स्वामी, प्रजा मतलब सेवक, जैसा स्वामी वैसा सेवक। कुछ तो ऐसी चीज़ें जो आपको ज़्यादा बताने भी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोकोक्तियाँ या कहावतें जो हैं वो अपने आप में ही ये इशारा कर देती हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अब ऐसे ही यथा नाम तथा गुण, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके गुण हैं, तो अर्थात नाम के अनुसार गुण होना, नाम के अनुसार गुण होना, और अपने अपने नाम का अर्थ और उसके अनुसार अपने गुणों को जरा ढंग से क्लैरिफाई कर लेना आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सर, कि जब वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन अगर पूछा इंटरव्यूअर ने, अगर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा तो आपको अपने नाम के साथ उसका क्या अर्थ होता है और उस अर्थ के हिसाब से क्या आपके अंदर वो गुण हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, नाम के अनुसार गुण का होना। अगला देखो, यह मुँह और मसूर की दाल।
ऐसा मुंह है और मसूर की दाल खाने की इच्छा है। यानी कि योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। आगे बढ़े, आगे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। चंदन महंगा आता है ना सर। देखिए सबको ये पढ़ के हंसी आएगी आएगी। इस तरह की कहावतें हमारे यहाँ पर बनती हैं और बड़ा मज़ेदार कहावतें बनती हैं और बिल्कुल सच्ची कहावतें होती हैं ये। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी कि मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। अब चंदन तो जहाँ जरूरत हो उतना घिसो। अब कोई क्या कह रहा है, मुफ्त का चंदन भाई घिसे रहो। तो क्या कर रहे हो आप, मुफ्त की वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हो। मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। आगे देखो सर, रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई। रस्सी जल गई पर टेक ना गई, वो सॉरी ऐंठ ना गई। और इसको बोलते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल ना गए। इसका सेम अर्थ होता है, क्या होता है, सर्वनाश होने पर, सर्वनाश होने पर भी घमंड न जाना। ठीक, चलिए अगली स्लाइड पर हम लोग चल लेते हैं। आज का सेशन लंबा होने वाला है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अगर चीज़ों को एक बार में तैयार करना है तो सर ऐसे ही करते हैं। कितनी स्लाइड्स और बची, दो स्लाइड्स और रह गई आपकी सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे। रंग में भंग पड़ना बताने की ज़रूरत नहीं है। रंग में भंग पड़ना बताने की ज़रूरत है क्या, बताइए जल्दी। रंग में भंग पड़ना, कई बार आपने इसका एग्जाम्पल भी याद किया होगा कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे सुनी भी होगी न्यूज़ की, कहीं बारात जा रही है, गोली उसमें मतलब हर्षोल्लास में फायरिंग हो रही है, किसी के लग गई और किसी की डेथ हो गई, तो क्या हो जाएगा, आनंद में बाधा उत्पन्न होना। रंग में भंग पड़ना अर्थात आनंद में बाधा उत्पन्न होना, ये मैं नहीं बताऊंगा। फिर राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। राम नाम जपना और पराया माल अपना, इसका अर्थ होता है मक्कारी करना। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इस तरह के स्वांग से आएंगे, इस तरह के वेश से आएंगे कि वो साधु हैं और आपके दिमाग को इस तरह से कर देंगे और आपके पास से काफ़ी सारी चीज़ें ले जाएंगे। तो यही चीज़ है, राम नाम जपना पराया माल अपना। आगे चलो, रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हांसी। रोग का घर खांसी, रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हांसी। इसे कहते हैं सर कि हंसी मजाक, हंसी मजाक झगड़े का कारण बन जाती है और नॉर्मली बनी जाती है, क्योंकि ऐसा होता है ना, झगड़े का कारण बन जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो दूसरों का मजाक उड़ा रहा हो, अगर वो आपने उसका मजाक उड़ा दिया तो वो उस पर सहन नहीं होता, ठीक है, तो झगड़े हो जाते हैं। तो वही चीज़ कही गई है कि रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हांसी, यानी हंसी मजाक झगड़े का कारण बन जाता है। आगे देखो, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, जो हमारे यहाँ का दिहाड़ी मजदूर है वो इस तरह का कहावत अपने लिए यूज करते हैं कि सर हम तो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रोज कमाना और रोज खाना, रोज कमाना रोज खाना, जो आपके दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो। अगला देखो,
लकड़ी के बल बंदरी नाचे, बंदरी मतलब बंदरिया नाचे, लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लकड़ी के बल पे ही बंदर को आप नचा सकते हो, मतलब कि वो भय दिखाए रहता है जो मदारी होता है तभी वो नाचता है। और ये सारी चीज़ें तो खैर जीविकापार्जन के लिए लोग कुछ भी करते हैं, और उसके लिए मूक पशुओं का या फिर पक्षियों का, इनका अधिकारों का हनन कर लेते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लकड़ी के बल बंदरी नाचे, भयवश ही कार्य संभव है। भयवश ही कार्य संभव है, ठीक है सर। आगे देखो, लंबा टीका मधुरी बानी दगेबाज की यही निशानी। लंबा टीका लगाए होंगे, मधुर बाणी बोलेंगे और दगाबाज की यही निशानी होगी, बताइए। लंबा टीका मधुर बाणी यानी कि वो एक पाखंड कर रहा है आपके सामने, एक ढोंग कर रहा है, तो पाखंडी हमेशा दगाबाज होता है, यह आपसे कहने का अर्थ है। पाखंडी हमेशा दगाबाज होता है। पाखंडी हमेशा दगाबाज होता है। चलिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बहुत बार सुना होगा। अभी बीच में ये जब न्यूज चैनलों ने पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाना शुरू किया था तब इस चीज़ों को बहुत बताया जाता था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पाकिस्तान कितना भी कुछ भी कर ले और बार बार सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, तो उनके ऊपर किस तरह की आवश्यकता की, किस तरह के एक्शन की आवश्यकता है कि उन्हें घर में घुस के मारा जाए। लेकिन युद्ध भी किसी चीज़ का हल नहीं होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि नीच व्यक्ति, नीच का अर्थ ये नहीं है कि मैं निचले तबके के लोगों की बात करता हूँ या फिर पिछड़ी जाति के लोगों की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। नीच व्यक्ति जो कर्म से नीच हो उनकी बात होती है सर, ठीक है, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करे। नीच व्यक्ति या नीच आदमी का अर्थ जो होता है वो होता है जो कर्म से नीच हो। जातियाँ सब बराबर हैं, सब अच्छी हैं, नीच व्यक्ति दंड के भय से कार्य करता है। नीच व्यक्ति दंड के भय से कार्य करता है, कहने से नहीं, ठीक है। अगला देखो, लोहे को लोहा ही काटता है। लोहे को लोहा ही काटता है यानी कि बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। बुराई को बुराई से ही जीता जाता है। चलिए हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही हो ना तो आप इसको दो बार में देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप तो खैर एंड पे आई गए, अब क्या दो बार में देखोगे सर, लेकिन एक दिन में इतना तो हिंदी वैसे भी पढ़ते ही। चलिए, वक्त पड़े सब जानिए को बैरी को मीत। वक्त पड़े सब जानिए को बैरी को मीत, बताइए इसका अर्थ। वक्त पड़े जब जानिए को बैरी को मीत, जब आपत्ति का समय आता है ना तभी पता लगता है कि कौन दुश्मन है और कौन अपना, ये इसका कहने का अर्थ है। तो यही इसका हम अर्थ लिख लेते हैं। क्या अर्थ मैंने बताया, विपत्ति हो या फिर अवसर हो, इस पर ही शत्रु और मित्र की पहचान होती है। विपत्ति या अवसर पर ही शत्रु या मित्र की पहचान होती है।
ठीक है चलिए। विधिकर लिखा को मेटन हारा, विधिकर लिखा को मेटन हारा, जो विधि में लिख दिया गया, विधि का अर्थ अर्थात क्या हो गया, हमारे जो भाग्य में लिख दिया गया उसको कौन मेटन वार कौन मिटा सकता है, यानी कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। चलिए लास्ट अगला बताइए, जल्दी से अब इस सेशन को एंड करते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि लिखने की जरूरत नहीं है, विपत्ति आने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार पढ़ा होता है। शबरी के बेर, ये बताइए शबरी के बेर अर्थात क्या हो जाएगा, उन्होंने शबरी ने क्या किया था, राम जी को बेर खिलाए थे, यानी कि एक बहुत ही तुच्छ भेंट दी थी लेकिन प्रेमपूर्ण भेंट थी अर्थात प्रेममय तुच्छ भेंट। ठीक है अगला देखो, शक्करखोर को शक्कर मिल ही जाती है, शक्करखोर को शक्कर मिल ही जाती है अर्थात जो व्यक्ति शक्कर का या फिर मीठा खाने का एकदम से लालची है ना, एकदम से बहुत उसको मीठा पसंद है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने मीठा ले ही लेता है, अर्थात जरूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है, उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है। चलिए अगला देखिए, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, हिंदी बना लो सर इसकी बन जाएगा, क्या होता है शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए, कहते हैं ना कि शुभ कार्य में देरी क्यों, ऐसे ही शुभ कार्य में देरी क्यों अर्थात शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। चलिए अगले को देखिए, षठे शाठ्यम समाचरेत, सबने पढ़ा होगा षठे शाठ्यम समाचरेत, संस्कृत में एक चैप्टर था शायद 9th या 10th में था, सबके में रहा होगा, जो भी हिंदी मीडियम वाले हो सबके में रहा होगा, षठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अगला देखो, सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं अर्थात सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है, यानी कि सच्चा व्यक्ति कभी नहीं डरता, इसको एक थोड़ा सही से लिख देते हैं, बस सेशन एंड हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी सूचना बताऊंगा वो बस आप पे ध्यान रखना, बस 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि सच्चा व्यक्ति कभी नहीं डरता, और क्यों डरे सर अगर वो सच्चा है तो, और सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या है, आपको चीजों को याद नहीं रखना पड़ता, सच बोलने का सबसे अच्छा अगर कुछ भी अर्थ है तो यही है कि सच को कभी भी याद नहीं रखना पड़ता। तो सर बस केवल एक छोटा सा नोटिफिकेशन क्या है कि इस सैटरडे को, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे 20 यानी कि 22 22 मई को हिंदी की क्लास लाइव होने वाली है, और मोस्ट प्रोबेबली है ये क्लास 3 बजे हो, 3 बजे PM मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि 3 बजे इस क्लास को हम करने वाले हैं, और इसमें आपके टॉपिक रहने वाले हैं वाक्य त्रुटि और अव्यवस्थित वाक्य खंड, तो सब लोग जुड़ जाना एकदम से, ठीक है 3 बजे एकदम से बढ़िया से क्लास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे जुड़ जाना,
क्योंकि वहां पे मैं आपको बहुत एक नई तरह की वाक्य त्रुटियां भी मैं लगातार लेके आता हूँ, और अव्यवस्थित वाक्य खंड भी एक बहुत अच्छा लेके आएंगे, देखने में बहुत सिंपल लगेगा लेकिन जब आप उसे करने बैठोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। इस तरह का हम अव्यवस्थित वाक्य खंड लेकर आएंगे और वाक्य त्रुटि बहुत अच्छे से लेकर आएंगे। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और क्या कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाओ सर, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि जितनी जल्दी हम 1000 के मार्क को क्रॉस करेंगे आपके जो डाउट्स का सेशन है वो हम घर बैठे भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एक स्टूडियो में जाना पड़ता है और फिर हम नहीं जा स्टूडियो में तो हम नहीं जाएंगे उसके बाद, लेकिन आप 1000 सब्सक्राइबर करा दो, जब आपका मन करेगा, जब आप लोग बोलोगे हम तभी डाउट सेशन एक रख लिया करेंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट है एग्जाम को लेके वो सारे के सारे क्लियर रहे। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ को देखते रहना।